आमे स्वामी विवेकानंद वक्तृता मोर समर नीति पाठ करुथिले आज ताहार ही कंटिन्यू हेबो। स्वामी विवेकानंद कहउछंती जहा हो तापरे धर्म महासभा रे मोर नाम जश हला तापरे भयानक कार्यर सूत्रपात हला। मु जेउ शहर को गली सेठारे एही थियोसोफिस्ट माने मते दबाई देवा पई चेष्टा करिवा को लागिले। मेम्बर मानू मोर वक्तृता शुणाप आसवाक निषेध कराला मोर वक्तृता शुणाप आसिले ही से माने सोसाइटी सहानुभूति हर कारण से ही सोसाइटी एसोटेरिक विभाग मत यही जे कही एगदेवे केवल मात्र कुथुमी और मरियार निकटर शिक्षा नेवाक हे। ये दुईज हूँ बड़ थियोसोफिस्ट महात्मा कथित अच्छी पंचभूत व्यतीत मनुष्य उपरे सातटी रश्मि क्रिया करे। एही सातटी रश्मि सात जन महात्मा कर्तृक नियंत्रित हुए। प्रत्येक महात्मा गोटे रश्मीर तत्वावधारक रश्मीर अधीन रही मनीष एही प्रकार रश्मि द्वारा स्पंदित हुए। महात्मा एल मरियार तत्वावधान में प्रथम रश्मि अर्थात इच्छाशक्ति एही रश्मीर अधीन रही राजा शासक प्रशासक सैनिक और जनगण कौन सी गुरुत्वपूर्ण कार्य संपादन करने पूर्व से मानक इच्छाशक्ति प्रयोग करती। महात्मा कुथुमी परिचालनाधीन होची द्वितीय रश्मि अर्थात दर्शन ज्ञान और शिक्षा। कुथुमी और मरिया गुढ़ भाव थियोसोफिकल सोसाइटी स्थापन करिसंती। बर्धमान और वाराणसी स्वामी विशुद्धानंद तांकर पत्रावली रे महात्मा कुथुमी सहित व्यक्तिगत परिचय कथा लिखिछंती एवं कुथुमी को बहु शत वर्ष पर्यंत जौगिक सिद्धि और अनुभूति संपन्न ज्ञानानंद स्वामी नाम रे वर्णना करिछंती। अवश्य एमाने अप्रत्यक्ष एवं एमानंगर प्रत्यक्ष प्रतिनिधि मिस्टर जज और मिसेस बेसांत। सुतरां एसोटेरिक विभाग रे जोग देवा अर्थ एही जे निजर स्वाधीन चिंता को एकाबेळके विसर्जन दे संपूर्ण भाव रे एमानंग हस्तरे आत्मसमर्पण करिबा। अवश्य मु केबे हेले एपरी करि पारि न थांदी एवं जेऊ व्यक्ति एपरी करे ताको हिंदू कहि पारिबि नाही। तापरे थियोसोफिस्ट मानंक निज निज भितरे गंडगोल आरंभ हला। परलोकगत मिस्टर जजंक ठारे मोर खूब श्रद्धा अछि। से जड़े गुणवान सरल अकपट प्रतिवादी थिले एवं से थियोसोफिस्ट मानंकर उत्कृष्टतम प्रतिनिधि थिले। तांका सहित मिसेस बेसांतंकर जो विरोध होइथिला सेथिरे मोर कौन से प्रकार राय देवार अधिकार नाही कारण उभय निज निज महात्मा वाक्य को सत्य बोली दावी करछंती। पुणी एहांक भितरे आश्चर्यर विषय एतिकि जे उभय एक महात्मा को दावी करछंती ईश्वर जानती कौन सत्य से एकमात्र विचारक एवं जेउठारे उभय पक्षर प्रमाणर अजम समान सेठारे कहार एपट को बा सेपट को झुंकी राय देवार अधिकार नहीं। एहिपरि सेमाने दुई वर्ष धरी समग्र अमेरिका रे मो पाई रास्ता प्रस्तुत करथिले। तापरे सेमाने अन्यर विरुद्ध पक्ष ख्रिस्टियन मिशनरी मानंग सहित योगदान करथिले। एही शेषक्त व्यक्तिगण मो विरोध में एपरी भयानक मिथ्या संवाद रचना करिसिले जे जहाँ कल्पनारे मध्य भावी हुए नहीं। से माने मते प्रत्येक घर तोड़िया पाई चेष्टा करिया को लागिले एवं जे केही मोर बंधु हेले तांको मोर शत्रु करिया लागी चेष्टा करिया को लागिले। से माने अमेरिकावासी समस्तंकु मते गोईठा मारी तोड़ी देवा पाई एवं अनसमरे मारी देवा पाई कहिबा को लागिले एवं मते कहिबा को लज्जा लागुछि जे मोर जने स्वदेशवासी एथिरे जोग देथिले एवं से भारत संस्कारक दलर जने नेता। से प्रतिदिन ही प्रचार करछंती ख्रीष्ट भारत को आछंती। ख्रीष्ट कौन एही रूप रे भारत को आसीबे एहा ही कौन भारत संस्कार रो उपाय। मु एहांको अति बाल्य काल रे जानिथिली। से मोर जने परम बंधु थिले अनेक वर्ष पर्यंत मो सहित मोर स्वदेशवासी साक्षात हो नाला। सुतरां तांको देखि मोर भारी आनंद है मुझेपरी हाथ में स्वर्ग पाइली किंतु तांको निकट रू
मुही व्यवहार पाइली जो दिन मु धर्म महासभा प्रशंसा पाइली जो दिन चिकागरे मु लोकप्रिय हेली से दिन ठारूर स्वर बदली गला एवं से अप्रकाश्य मोर अनिष्ट आचरण करने मत अनशन मारिदे आमेरिकार गईठा मारी तड़ीदे यथसाध्य चेष्टा करने को लगे मु पचारुछि ख्रीष्ट कौन यही रूप से भारत को आसबे पचारुछि कोड़े वर्ष काल ख्रीष्ट पाद तले बसि से कौन यही शिक्षा पाई आमर बड़ बड़ संस्कारक गण जे कही था ख्रीष्ट धर्म एवं ख्रीष्ट शक्ति भारतवासी मान उन्नति विधान करपर हे अवश्य जदि उक्त भद्रलोक तहार दृष्टांत स्वरूप धर जाए तेब ए विशेष आशा अच्छी बोध हुए ना आउ गोटे कथा मु समाज संस्कारक मान मुखपत्र पढ़िली से मैंने कहते मु शूद्र एवं मत पचारूद्रर सन्यासी हेपाई कि अधिकार अच्छी मोर उत्तर होही महापुरुष वंशधर जहाँ पाद तले प्रत्येक ब्राह्मण यमाय धर्मराजाय चित्रगुप्ताय वै नमः मंत्र उच्चारण सहकारे पुष्पाजलि प्रदान करती एवं जहाँ वंशधर गण विशुद्ध क्षत्रिय बंगाली संस्कारक गण जाणी रखंतु मोर जाति अन्यान्य नाना उपाय भारतर सेवा व्यतीत शत शत शताब्दी धरी भारतर अर्धांश शासन करथिले जदि मोर जाति को बाद दिया जाए तेबे भारतर आधुनिक सभ्यतार आउ कौन अवशिष्ट रहिबो केवल बंगला देशरे मो जातिरु सर्वश्रेष्ठ दार्शनिक सर्वश्रेष्ठ कवि सर्वश्रेष्ठ ऐतिहासिक सर्वश्रेष्ठ प्रत्नतत्वविद और सर्वश्रेष्ठ धर्म प्रचारक मानंकर अभ्युदय होइछि मो जातिरु ही आधुनिक भारतर सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक मानंकर अभ्युदय होइछि उक्त संपादकंकर आम इतिहास किछि जानिबा उचित थिला आमर तीन वर्ण संबंध में किसी जाना उचित थिला जाना उचित थिला जे ब्राह्मण क्षत्रिय अवैश्य तीन वर्णर सन्यासी हेपाई समान अधिकार त्रैवर्णिक वेदर समान अधिकार ए सब कथा प्रसंग क्रमे उपस्थित होला बोली कहली मु पूर्वोक्त श्लोकटी केवल उद्धार करछि मात्र किंतु मते शूद्र कहिले वास्तव में मोर कौन सी दुख ना मोर पूर्वपुरुष गण दरिद्र मान जो अत्याचार करते तहार किंचित प्रतिशोध स्वरूप हेब जदि मु अति नीच चंडाल तेबे मोर आहुरी अधिक आनंद होता कारण मु जहाँ शिष्य से जन अति श्रेष्ठ ब्राह्मण हेले एक नीच जातिर गृह परिष्कार करने को इच्छा प्रकाश करते से व्यक्ति अवश्य सम्मत हेलाना किपर बाब ब्राह्मण पुणी सन्यासी से आसी तहार घर परिष्कार करे एथिरे से केवे सम्मत हो पारे कौन सुतरा से गभीर रात्रि रे अज्ञात भाव तहार गृह प्रवेश करी तहार पायखाना परिष्कार करुथिले एवं तांकर बड़ बड़ केश द्वारा से ही स्थान पछुथिले दिन पर दिन यहीपर से करुथिले जहाद्वारा से निजक समस्त दास समस्त सेवक कहीपरिवे से ही व्यक्ति श्रीचरण मु मस्तक धारण करी से ही मोर आदर्श मु से ही आदर्श पुरुष जीवन अनुकरण करने चेष्टा करी जड़े हिंदू सर्वसाधारण सेवा करी निजर ही प्रकृत उन्नति करे एवं साधारण लोक उन्नति एपरी करवा उचित विदेशी साज्य खोजी नुहे कोड़े वर्षर पाश्चात्य सभ्यतार संपर्क एपरी एक लोकर चरित्र जाग्रत कर जीक केवल बंधुंर कि मानजस हो से तहार अर्थ उपार्जन विघ्न स्वरूप ठिया होती मनेक विदेश अनाहारे मारिदेपी चेष्टा कै पुणी खाँटी पुणा देशी हिंदू धर्म किपर कार्य कै अपरटी तहार उदाहरण आमर संस्कारक गण मध्य कहीं से जीवन देखु नीच जातिर पायखाना सफा कर एवं मुंडर केश द्वारा से स्थान पछवा को प्रस्तुत हूँ तेब जा मुंह पाद तले बसी उपदेश ग्रहण करी किंतु ता पूर्वर नुहे हजार हजार लंबा कथा अपेक्षा यही सामान्य कार्यर दाम
ढेर बेसी। वर्तमान मु माड्रास रो संस्कार सभा समूह रो कथा कहिबी। से माने मो प्रति अति सदय व्यवहार करिसंती, से माने मो प्रति अनेक मधुर वाक्य प्रयोग करिसंती एवं बंगलादेश रो ओ माड्रास रो संस्कारक गणक मध्यरे जे प्रभेदटी अछि से विषय रे मोर दृष्टि आकर्षण करिसंती एवं मु सही विषय रे सेमानंक सहित एकमत। तुममानंक मध्यरु अनेकंकर निश्चय स्मरण थिबो, तुममानंकु मु अनेक थर कहिछि माड्रास रो वर्तमान बड़ सुंदर अवस्था, बंगलार जेपरि क्रिया प्रतिक्रिया चलछि एठारे सेपरि होइनाहि। एठारे सर्वदा धीर अथच सुनिश्चित भावरे सबु विषयरे उन्नति होइछि। एठारे समाजर क्रमशः विकास होइछि, कौनसी प्रकार प्रतिक्रिया होइनाहि। अनेक स्थलरे एवं केतेक परिमाणरे बंगदेशरे पुनरुत्थान होइछि बोली कहा जाय पारे, किंतु माड्रास रे धीरे धीरे स्वाभाविक भावरे उन्नति होउछि। सुतरां एठाकार संस्कारक गण जे उभय जातिर प्रभेद देखन्ति से विषय रे मु सेमानंग सहित संपूर्ण एकमत, किंतु मो सहित सेमानंगर गोटिए विषय रे प्रभेद अछि ताहा सेमाने बुझन्ति नाही। मोर आशंका हुए केते गुड़िए संस्कार समिति मते भय देखाई सेमानंग सहित जोग देबा पई चेष्टा करछन्ति, सेमानंग पक्षरे एपरि चेष्टा बड़ आश्चर्यर विषय बोली कहिबाकु हेबो। जेउ व्यक्ति 14 वर्ष धरी अनाहार मृत्यु सहित युद्ध करि आसीछि, जेउ व्यक्ति एते दिन धरी काली कोन खाइब केउठारे सोइब ताहार किछि ठीक ठिकाणा नथिला ताकु एते सहजरे भय देखाई हेबो नाही। जेउ व्यक्ति एक प्रकार बिना आच्छादनरे तापमान यंत्रर 0 डिग्री रु 30 डिग्री कम तापर शीतरे वास करिया पई साहसी होइथिले, जहार सेठारे काली कोन खाइबाकु पडिब ताहार ठिकाणा नथिला ताकु भारतरे एते सहजरे भयभीत करा जाय न पारे। मु सेमानंगु प्रथमे कहिबाकु चाहे जे सेमाने जानि रखंतु मोर निजर किछि दृढ़ता अछि, मोर निजर किछि अभिज्ञता मध्य अछि एवं जगत निकटरे मोर किछि वार्ता प्रकाश करिबाकु अछि। मु निर्भयरे भविष्यत पई किछि मात्र चिंता न करी सेइ वार्ता बहन करिबि। संस्कारक मानंकु मु कहिबाकु चाहे मु सेमानंक अपेक्षा जणे बड़ संस्कारक, सेमाने गोटिए अधे संस्कार करिबाकु चाहन्ति, मु चाहे आमूल संस्कार। आमर प्रभेद केवल संस्कार प्रणाली रे, सेमानंक प्रणाली भांगी छेचि चूना करिदेबा मोर संगठन। मु आदेशतंत्र संस्कार रे विश्वास करे नाही, मु स्वाभाविक उन्नति रे विश्वास करे। मु निजक ईश्वरंग स्थान रे बसाई समाज को तुमको ए बाटरे चलिबाकु हेबो से बाटरे नुहे कही आदेश देवा पई साहस करे नाही। मु केवल से गुंडुची मुसाफरी हेबाकु चाहे जे रामचंद्रंकर सेतुबंध निर्माण समय रे यथासाध्य एक अंजलि बालुका बहन करि निजक कृतार्थ मन करिसिला। एहा ही मोर उद्देश्य। एही अद्भुत जातीय यंत्र शत शत शताब्दी धरी कार्य करि आसुछि, एही अद्भुत जातीय जीवन नदी आम सम्मुखरे प्रवाहित होउछि। किए जाने किए साहस करि कहि पारे एहा भल कि मंद बा किपरि एहार गति नियमित हेबा उचित। सहस्र सहस्र घटना चक्र ताकु गोटिए विशेष रूपरे बेग विशिष्ट करिछन्ति, सेथिपाई समय समय रे ता मृदु और समय समय रे द्रुत गति विशिष्ट होउछि। किए ताहार गति नियमित करिबाकु साहसी होइ पारे। गीतार उपदेश अनुसारे आम मानंकु केवल कार्य करिजिबाकु हेबो, फलाफल प्रति किछि दृष्टि न रखि शांत चित्तरे अवस्थान करिबाकु हेबो। ताहार पुष्टि पई जहाँ आवश्यक ताकु ताहा दियाजिबो, किंतु से निज प्रकृति अनुजाई निजर देह गठन करिनेबो। एहिपरि तुमर देह गठन कर बोली ताकु उपदेश देवा पई काहारी साध्य नाही। आम समाजर यथेष्ट दोष अछि, अन्यान्य समाजरे मध्य तद्रूप। एठारे विधवार अश्रुपातरे केबे केबे धरित्री आर्द्र होइथाय, सेठारे पाश्चात्य देशर वायु अनुढा कुमारी मानंकर दीर्घ निश्वासरे विषाक्त होइ जायछि। एठारे जीवन दारिद्र्य विषयरे जर्जरित,
ସେଠାରେ ବିଳାସିତାର ଅବସାଦରେ ସମଗ୍ର ଜାତି ଜୀବନମୃତ ପ୍ରାୟ। ଏଠାରେ ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରେ। ସେଠାରେ ଆହାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟର ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥାନ୍ତି। ଦୋଷ ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ, ଏହା ପୁରାତନ ବାତରୋଗ ପରି। ପାଦରୁ ବାତ ଦୂର କଲେ ମଥାରେ ବାତ ଧରେ, ମଥାରୁ ଭଲ ହେଲେ ପୁଣି ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆଶ୍ରୟ ନିଏ। କେବଳ ଏଠାରୁ ସେଠାକୁ ତଡ଼ିବା ମାତ୍ର ସାର ହୁଏ। ହେ ବାଳକ ଗଣ, ଅନିଷ୍ଟର ମୂଳଚ୍ଛେଦ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଉପାୟ। ଆମର ଦର୍ଶନଶାସ୍ତ୍ର କହେ, ଭଲମନ୍ଦ ନିତ୍ୟ ସଂଯୁକ୍ତ, ଗୋଟିଏ ଜିନିଷର ଏପାଖ ସେପାଖ, ଗୋଟିଏ ନେଲେ ଅନ୍ୟଟି ନେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ସମୁଦ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ଢେଉ ଉଠିଲା, ବୁଝିବାକୁ ହେବ କେଉଁଠାରେ ନା କେଉଁଠାରେ ଜଳପତ୍ତନ କିଛି କମିଯାଇଛି। କେବଳ ତାହା ହିଁ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତ ଜୀବନ ଦୁଃଖମୟ। କାହାରିକୁ ନା କାହାରିକୁ ହତ୍ୟା ନକରି ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ। କିଛି ଖାଇବାକୁ ହେଲେ କାହାକୁ ନା କାହାକୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃତିର ଅକାଟ୍ୟ ବିଧାନ, ଏହା ହିଁ ଖାଣ୍ଟି ଦାର୍ଶନିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଏହି କାରଣରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ସାମାଜିକ ବ୍ୟାଧିର ପ୍ରତିକାର ବାହାର ଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ମନ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହେବ। ଆମେ ଯେତେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କଥା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ହେବ, ସମାଜର ଦୋଷ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଏଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ନକରି ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦ୍ୱାରା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଏଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହେବ। ସମାଜର ଦୋଷ ସଂଶୋଧନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ତତ୍ତ୍ୱଟି ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝି ଆମର ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ବୁଝି ଆମ ରକ୍ତକୁ ଗରମ ହେବାକୁ ଦେବା ନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତେଜନା ଶୂନ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ଜଗତର ଇତିହାସ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି ଯେ ଯେଉଁଠାରେ ଏହିପରି ଉତ୍ତେଜନା ସାହାଯ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସଂସ୍କାର କରିବାର ଚେଷ୍ଟା ହୋଇଛି, ତାହାର ଏହିମାତ୍ର ଫଳ ହୋଇଅଛି ଯେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସଂସ୍କାର ଚେଷ୍ଟା, ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଆମେରିକାର ଦାସ ବ୍ୟବସାୟ ରହିତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା, ତଦପେକ୍ଷା ମନୁଷ୍ୟର ଅଧିକାର ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଘୋରତର ଆନ୍ଦୋଳନ କଳ୍ପନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଧାରଣା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଫଳ କ'ଣ ହୋଇଛି? ଦାସ ବ୍ୟବସାୟ ରହିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା, ତାହା ଅପେକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଶତଗୁଣ ମନ୍ଦ ହୋଇଛି। ଦାସ ବ୍ୟବସାୟ ରହିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ହତଭାଗ୍ୟ ନିଗ୍ରହଣ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷର ସମ୍ପତ୍ତି ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହେଉଥିଲେ। ନିଜ ସମ୍ପତ୍ତିର ହାନି ଆଶଙ୍କାରେ ଯେପରି ସେମାନେ ଦୁର୍ବଳ ଓ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ହୋଇ ନ ପଡ଼ିବେ, ଅଧିକାରୀଗଣଙ୍କୁ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ କାହାରି ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ମାତ୍ର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଳ ଦେଖାଇ ଜୀବନ୍ତ ପଡ଼ି ଦିଆଯାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ମାରି ଦିଆଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ହତ୍ୟାକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଆଇନ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ନିଗାର, ସେମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ଏପରିକି ସେମାନେ ପଶୁ ନାମର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ଅଥବା ପ୍ରବଳ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ସାମାଜିକ ଦୋଷର ପ୍ରତିକାର ଚେଷ୍ଟାର ଏହା ହିଁ ଫଳ। କୌଣସି ପ୍ରକାର କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ ପାଇଁ ଏହିପରି ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରସୂତ ଆନ୍ଦୋଳନ ବିରୋଧରେ ଇତିହାସର ଏହି ସାକ୍ଷ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ। ମୁଁ ଏହା ଦେଖିଛି, ମୋ ନିଜ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ମୁଁ ଏହା ଶିଖିଛି। ଏହି କାରଣରୁ ହିଁ ମୁଁ ଏହିପରି ଦୋଷାର ଅପକାରୀ କୌଣସି ସମିତି ସହିତ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ଦୋଷାରୋପ ବା ନିନ୍ଦାବାଦର କି ପ୍ରୟୋଜନ? ସବୁ ସମାଜରେ ଦୋଷ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ତାହା ଜାଣନ୍ତି, ଏବେର ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଜାଣନ୍ତି। ସେମାନେ ମଞ୍ଚରେ ଠିଆ ହୋଇ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜର ଗୁରୁତର ଦୋଷ ସମୂହ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ରୀତିମତ ବକ୍ତୃତା ଶୁଣାଇ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ଅଶିକ୍ଷିତ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ନିଶ୍ୱାସରେ ଭୂ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତରେ ପଦାର୍ପଣ କରନ୍ତି, ସେ ତରବର ହୋଇ ରେଳଗାଡ଼ିରେ ଚଢ଼ି ଭାରତବର୍ଷର ମୋଟାମୋଟି
गोटाए धारणा करी भारतर भयावह अनिष्टकर प्रथा विषय खूब पांडित्यपूर्ण वक्तृता दे था आमे से कथा स्वीकार कर समस्ते दोष देखाई पारती किंतु यही समस्या उत्तीर्ण होवार पथ जे देखाई पारती से मानव जातिर यथार्थ बंधु से ही जड़मग्न बाड़क और दार्शनिकर गल्पे दार्शनिक जत बाक को गंभीर भाव में उपदेश देते से ही बाड़क जपरी कही प्रथम मत जल रु उठाई नियंतु पर आपणकर उपदेश शुणी से हीपरी बर्तमान आम देशर लोके चित्कार करी कहुछंती आमे जथेष्ट वक्तृता शुणीछु जथेष्ट समाज बुलीछु ढेर कागज पढ़ीछु बर्तमान आमे एपरी लोक चाहूँ जी आम मानू हाथ धरी एही महापंकर उद्धार करी पारिबे एपरी लोक कहांती एपरी लोक कहांती जी आम मानू प्रकृत भल पाती एभली लोक कहांती जी आम मानू प्रति सहानुभूति संपन्न यहीपरि लोक दरकार यहीठारे ही मोर यही समस्त संस्कार आंदोलन सहित संपूर्ण प्रभेद प्राय शहे वर्ष धरी यही संस्कार आंदोलन चली किंतु ताहा द्वारा अतिशय निंदा और विद्वेषपूर्ण साहित्य विशेषर सृष्टि व्यतीत अन्य कौन कल्याण होई ईश्वर इच्छा रे यह न होइथिले बड़ भल होइथंता सेमाने प्राचीन समाजर कठोर समालोचना करिसंती सेमानंग उपरे यथासाध्य दशारोप करिसंती सेमानंगर तीव्र निंदावाद करिसंती शेषरे प्राचीन समाज सेमानंगर स्वर धरिसंती सेमानंग ठारु तीड़ परी आघात पाई एमाने ताड़ परी आघात देइसंती एवं ताहार फल एहाई होइछि जे सर्वप्रकार देशीय भाषा रे एपरि एक साहित्यर सृष्टि होइछि जहा द्वारा समग्र जाति समग्र देश लज्जित होबा उचित यह कौन संस्कार यह ही कौन समग्र जातिर गौरवर पथ यह कहार दोष तापरे आउ गोटे गुरुतर विषय विवेचना करिवा को हेबो एठारे भारत रे आमे चिरकाल राज शासनाधीन होई कटाइछु राजा माने ही आम पई चिरदिन विधान प्रस्तुत करिसंती वर्तमान से ही राजा माने नहांती ए क्षणी आउ ए विषय रे पथ देखाइवा को केही नाही गवर्नमेंट साहस करती ना गवर्नमेंट को साधारण मतामतर गति देखि निजर कार्यप्रणाली स्थिर करने को हुए किंतु निज समस्या पूरण रे समर्थ जनसाधारण कल्याणकर प्रबल साधारण मत गठित होगा समय लगे खूब दीर्घ समय लगे यही मत गठित होगा पर्यंत आम मानू अपेक्षा करने को हेब सुतरा समुदाय समाज संस्कार समस्याटी यहीपर भाव में ठिया हुए संस्कार जो मैंने चाहती से मैंने कहती आगे से मानू प्रस्तुत कर संस्कार प्रार्थी लोक कहती अल्प संख्यक केतेक लोक कौन सी विषय खराब बोली बोध होधिकाश व्यक्ति किंतु ता वर्तमान सुधा बुझती ना बर्तमान यही अल्प संख्यक व्यक्ति जेपरी बलपूर्वक निजर मन मुताबक संस्कार अन्य समस्त चलाइवा चेष्टा करपरी प्रबल अत्याचार जगत रे आउना अल्प केतेज लोक केते गुड़े विषय दशदुष्ट बोली बोध हेले समग्र जातिर हृदय को स्पर्श करे ना समग्र जाति हलचल हुए ना कहीं प्रथम समग्र जाति को शिक्षा दियो व्यवस्था प्रणयन रे समर्थ गोटे दल गठन कर विधान आपे आपे आसीबो प्रथमे जो शक्ति बल रे जहार अनुमोदन रे विधान गठित हेब ता सृष्टि कर वर्तमान राजा माने नहांती जो नूतन शक्ति रे जो नूतन संप्रदायर सम्मति रे नूतन व्यवस्था प्रणीत हेब से ही लोकशक्ति नहीं प्रथमे से ही लोकशक्ति गठन कर सुतरा समाज संस्कार पाई प्रथम कर्तव्य लोकशिक्षा यही शिक्षा संपूर्ण नहेबा पर्यंत अपेक्षा करने को हेब गत शताब्दी रे जो सब संस्कार पाई आंदोलन होधिकाश आडंबरपूर्ण यही संस्कार चेष्टा गुड़िक केवल प्रथम दुई वर्ण को स्पर्श करे अन्य वर्ण को नुहे विधवा विवाह आंदोलन रे शतकड़ा 70 जन भारतीय रमणी कौन सी स्वार्थ ना
पुणी यहीपरी समस्त आंदोलन ही सर्वसाधारण को वंचित कर जो समस्त उच्चवर्ण भारतीय शिक्षित होती केवल से ही मानी से माने निज घर सफा करने एवं वैदेशिक मानक निकट में निजक सुंदर भाव में देखापी चेष्टार किसी मात्र त्रुटि करती ना यहाँ तो संस्कार कहुपे ना संस्कार करने को हेले ऊपर ठाउरिया भाव में देखने चलो ना भितर प्रवेश करवाब मूल देश पर्यंत जामूल संस्कार प्रकृत संस्कार बोली मु नाम दे था मूल अग्नि संजोग कर अग्नि क्रमश ऊर्ध देश को उठी गोटे अखंड भारतीय जाति गठन करू पुणी समस्या अति सहज मध्य नुहे यह अति गुरुतर समस्या सुतरां व्यस्त होवार प्रयोजन ना आउ एहा मध्य जानी रखजे गत केते शताब्दी धरी यही समस्या संबंधे आम देशर महापुरुष गण अवगत थिले आजिकाल विशेषतः दाक्षिणात्य बौद्धधर्म एवं बौद्धधर्मर अज्ञवाद संबंधे आलोचना गोटे प्रथा स्वरूप ठिया होई केवे स्वप्नरे मध्य भावंती नाही जे आम समाज रे जेउ समस्त विशेष दश रही बौद्धधर्मकृत बौद्धधर्म आम मानू उत्तर अधिकारी स्वरूप यही अवनति भागी रही जो मैंने बौद्धधर्मर उन्नति और अवनतिर इतिहास केवल पाठ करती ना से लिखित पुस्तक तुम्हें पाठ कर गौतम बुद्ध प्रचारित अपूर्व नीति और तांकर लोकत्वर चरित्र गुण जो बौद्धधर्म एपरी विस्तार लाभ कर भगवान बुद्धदेव प्रति मोर जथेष्ट भक्ति और श्रद्धा अच्छी किंतु मोर वाक्य अवहित हो श्रवण कर बौद्धधर्मर विस्तार सेते परिमाण रे ताहार मतवाद वा उक्त महापुरुषों चरित्र गुण जो होना बौद्धगण जो मंदिर समूह निर्माण करते जो समस्त प्रतिमा प्रतिष्ठा करते समग्र जाति समक्ष रे जो सबू आडंबरपूर्ण क्रियाकलाप धरी ताहा जो बर बेसी होता यहीपरी बौद्धधर्म विस्तार लाभ कला यही समस्त बृहत मंदिर और आडंबरपूर्ण क्रियाकलाप निकटे निज निज गृह प्रतिष्ठित होम पाई क्षुद्र अग्निस्थान समूह रही पारा ना परिशेष ए समस्त क्रियाकलाप अनुष्ठान अति विभत्स आकार धारण कला तापरी घृण्य भाव धारण कला जे शत्रुवर्गों निकटे मुता कह अक्षम जो मैंने यह सम्बन्धे जानवाक इच्छा करती से माने नाना प्रकार कारुकार्यपूर्ण दाक्षिणात्यर बड़ बड़ मंदिर देखि आसवे आम बौद्ध मान निकटर यह ही दाय स्वरूप पाई तत्परे से ही महान संस्कारक शंकराचार्य एवं तांकर अनुवर्ती मानकर अभ्युदय हला पुणी एही शत शत वर्ष धरी तांकर अभ्युदय ठारु आज पर्यंत भारतर जन सर्वसाधारण को धीरे धीरे से ही मौलिक विशुद्ध वैदांतिक धर्म को नहीं आसवाक चेष्टा होउछि एही संस्कारक माने समाज जो सबू दोष थिला से संबंधे भल भाव ज्ञात थिले किंतु तथापि से माने समाज को निंदा करिनाहंती से माने एक कथा कही नहांती तुम मानकर जहाँ अच्छी सब भूल तुम मानू सब फिंगी देवा पड़ो ताहा संप्रति पढ़ुली मोर बंधु ब्यारज साहेब कहते 300 वर्ष रे ख्रीष्ट धर्म ग्रीक धर्मर रम्य प्रभाव को एका बेलके अलटाई देथिला यूरोप ग्रीस और रोम जे देखिछंती से केबे हेले कथा कहि पारिबे नाही रोमियो और ग्रीक धर्मर प्रभाव एपरिक प्रोटेस्टांट देशरे मध्य एवे पूर्ण मात्रा रे रहिछि केवल नाम बदलिछि मात्र प्राचीन देवगण नूतन वेशरे विद्यमान केवल नाम बदली जाइछि देवीगण होइछंती मेरी देवीगण देवगण होइछंती साधु एवं नुआ नुआ अनुष्ठान पद्धति प्रवर्तित होइछि एपरिक पोंटिफेक्स मैक्सिमस ए प्राचीन उपाधि मध्य रही सुतरां संपूर्ण परिवर्तन होई पारे नाही एपरी परिवर्तन किछि सहज कथा नुहे पुणी शंकराचार्य जानी थिले
रामानुज मध्य जानिथिले एपरि परिवर्तन होइ पारे नाही। सुतरां तदानींतन प्रचलित धर्म को धीरे धीरे उच्चतम आदर्शर अनुवर्ती करिबा व्यतीत सेमानंकर अन्य कौनसी पंथा नथिला। जदि सेमाने अन्य प्रणाली अवलंबन करिबा को चेष्टा करिथांते अर्थात जदि सेमाने सबु विषय पूर्ण भाव में बदलाई देवा को चेष्टा करिथांते तेबे सेमानंकु कपटी हेबा को पड़िथांता। कारण सेमानंक धर्मर प्रधान मत हला क्रमोन्नतिवाद। एही समस्त नानाविध सोपान मध्य देई आत्मा तार उच्चतम लक्ष्यर पहुँचिब एहा ही सेमानंकर मूल मत। सुतरां एही समस्त सोपान गुड़िक आवश्यक ओ आमर सहायक। आउ किए एही सोपान गुड़िक निंदा करिबाकु साहसी हेबो? आजिकाली एहा गोटिए प्रचलित कथारे परिणत होइछि एवं समस्ते बिना आपत्तिर एहा स्वीकार करिथांति जे पौतलिकता एक दोष। मु मध्य एक समय एहिपरि भाविथिलि एवं एहार शास्ति स्वरूप मते एपरि जने व्यक्तिंक पाद तले बसि शिक्षा लाभ करिबाकु होइथिला जे पितुला पूजारु सबु किछि पाइथिले। मु रामकृष्ण परमहंसंक कथा कहुछि। हिंदुगण जदि पितुला पूजा करी एहिपरि रामकृष्ण परमहंस मानंकर अभ्युदय हुए तेबे तुम्हें माने कौन चाह? संस्कारक मानंकर धर्म चाह ना पितुला पूजा चाह? मु एहार गोटिए स्पष्ट उत्तर चाहे। जदि पितुला पूजा द्वारा तुम्हें एहिपरि रामकृष्ण परमहंस मानंकु सृष्टि करि पारो तेबे आहुरी हजारे पितुला पूजा कर। सिद्धिदाता तुम्हानंकु सिद्धि प्रदान करंतु। जे कौनसी उपाय हो एही परि महात्मा मानंकु सृष्टि करो।